तो गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल ये कद्दू की खेती में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ये कद्दू की खेती है। तो फिलहाल इस कद्दू की खेती में जो है दवाई देने का काम चल रहा है ड्रिप के जरिए। वैसे कद्दू की खेती में कई सारे प्रकार होते हैं, तो ये कौन सा प्रकार है और दवाई जो है किस तरह दिया जाता है इस व्लॉग में हम देखेंगे। तो चलिए, तो भाई लोग ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ये कद्दू का प्लॉट है, जो ये बकेट में आप देख सकते हैं। तो उसमें जो दवाई डाले से है वो रूट चार्जर और जो ह्यूमिक एसिड बोलते हैं वो है, तो ताकि इसके जो रूट है कद्दू के तो वो पूरे खेत में फैल जाए और अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाए, इसके लिए इसका उपयोग होता है। तो अभी ये जो आगे दिख रहा है इंचुरी की वजह से अपने ये पूरा ड्रिप में ये जो दवाई है ये छोड़ने वाले, तो चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो सिद्धू भाई, ये जो है इंचुरी किस तरह से काम करती है ये बताओ जी। ये जो इंचुरी दिख रही है आगे, इसकी मदद से अपन ये पूरे प्लॉट को दवाई छोड़ने वाले। तो अभी फिलहाल ये बैरल में ये कॉक चालू करके पानी भरने का काम चलो है। अभी दवाई तो इसमें मिक्स किया है, तो उसके बाद ये जो अभी नीचे का ब्लैक वाला कॉक दिख रहा है ये वाला, तो आप वीडियो में देख सकते, तो वो थोड़ा सा बंद करना पड़ता है, उसकी वजह से इसमें एयर आता है और वो बैरल में का जो दवाई है वो पूरे ड्रिप में खींचता है। तो वीडियो में दिखाते हैं पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें पूरा लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं, लाइव प्रोसेस ड्रिप में दवाई कैसे छोड़ते हैं वो पूरा प्रोसेस दिखाने वाले। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। भाई क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूँ खेत का, एर्गोनिक पानी है ये। अच्छा, एक बार एर्गोनिक वो मतलब कि कुएं में जो रहता है, जो जमीन से अच्छा आता है वो पानी है, और ये पीने के बाद अपनी बॉडी जो है बहुत स्ट्रांग रहती है। और पीने का तरीका ऐसा है, इधर से आगे नहीं पीने का, यहाँ से आगे इधर पीने का, नहीं तो उधर पिया तो डायरेक्ट स्वर्ग लोग पहुँच जाता है। एक बार पी के दिखाओ। मजा आया। हाँ देखिए प्रेशर, ए पंजाब से पानी ज्यादा होता बोल रहा है जो किसान है ना, ये तो काहे के लिए ज्यादा होता? ओ इसके लिए क्या ये उड़द है ना, उड़द। अच्छा, बारिश भी आ चुका है। हाँ बारिश आ गया है ना, इसीलिए बारिश का पानी बहुत हो चुका है। ये जो किसान है ना, पानी भी नहीं पीने दे रहा है उसके खेत का। अच्छा, ऐसे लपुट किसान है यहाँ पे। तो भाई ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मैंने कॉक है इंचुरी से, ये अभी फिलहाल बंद है, तो पानी जितना चाहिए था उतना ले लिया हमने। अभी ये चालू करने के बाद इसमें पानी जाएगा, और बाद में जो नीचे का जो कॉक है ना वो थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया तो यहाँ से पानी वापस खींच लेगा, जो बैरल में पानी है ना पूरा जो दवाई है वो वापस खींच लेगा इसी का। चलिए सिद्धू भाई वो कॉक ऑन कर दीजिए, हम दिखाएंगे इसको अभी। अभी रिटर्न पूरा जो इंचुरे का पानी है वो बैरल में आ रहा है, तो अभी ये नीचे का ब्लैक कॉक है ये थोड़ा क्रॉस करने के बाद ये देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से इंचुरी का पानी, यहाँ से ये दिखाओ, ये दिखाओ, देखो यहाँ से चला गया ये। अभी रिटर्न प्रोसेस चालू हो गया ताकि ये जो बैरल माँ का दवाई है वो ड्रिप में चला जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद, एक 10-15 मिनट के बाद ये पूरा दवाई छोड़ने का काम पूरा हो जाएगा।
अच्छा, ये जो ड्रिप है उसमें से जाएगा दवाई? हाँ, हाँ, ये जो आगे दिख रहा है हर पेड़ को प्लॉट में जाएगा। अच्छा, पूरे प्लॉट में हर जो पौधा है उसके नीचे चला, वो जो पानी की बूंद गिरी है उसमें पूरी दवाई मिक्स है। तो ये जो ड्रिप है इसके जरिए जो है दवाई पहुंच जाएगी। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक भी कद्दू दिखाई नहीं दे रहा है, और तो फिलहाल तो यहाँ पे एक भी कद्दू दिखाई नहीं दे रहा है। ये कितने दिन पहले लगाया है यहाँ पे? अभी एक मंथ हो गया। अच्छा। जो किसान है ना उसको पूछिए, ये सिद्धू भाई ब्लॉग है उनको पूछिए, उनका ही है। अच्छा, कब तक कद्दू आ जाएगा? तो भाई लोग, जैसे मैंने वीडियो बताया था कि फिलहाल अभी 26 जून को इसकी लागन तारीख है, तो उसके बाद अभी एक महीना 3 दिन कंप्लीट हो गए। अब एक 8-10 दिन के बाद इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा, वो जो फूल वगैरह है वो पूरा बाहर आ जाएगा। उसके एक 10 दिन के बाद पूरा जो कद्दू है बाहर दिखेगा। तो दवाई देने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे बैरल देख सकते हैं ये खाली हो चुका है। तो जैसे भाई लोग, मैंने बोला था कि ये जो एंचुर है उसमें से दवाई छोड़ने का काम पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। एक 10 मिनट में पूरा दवाई छोड़ने का काम कंप्लीट हो गया। 10 मिनट में लगा सिर्फ? हाँ, सिर्फ 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छा अच्छा, ये जो दवाई है, हाँ, अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ये कद्दू, तो सभी तरफ दवाई चला गया? हाँ, सभी तरफ दवाई चला जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रिप इरीगेशन है, हाँ, तो ये पूरा प्लॉट को है, तो जहाँ तक ये है वहाँ तक पूरा ये दवाइयाँ पानी में से मिलकर पूरी पूरा प्लॉट में जाएगा। तो अभी काम पूरा फिलहाल पूरा हो गया, काम जो दवाई छोड़ने का काम था वो फिलहाल पूरा हो गया। कॉक बंद कर दिया हमने। अभी ये जो बीच में जो पाइप रहते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दवाई रहा हुआ सो रहता है, अंदर रहा रहता है, वो सब अभी डिस्ट्रीब्यूट होता है सब तरफ, हर पौधे तरफ, हर एक ना एक पौधा जो रहता है उसमें जाके उसके जो ये है वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाता है। तो उसके बाद अभी कम से कम 15 दिन में इसको फूल वगैरह आके बड़ा वाला कद्दू आएगा, इतना बड़ा गोल वाला आएगा, वो बड़ा वाला आता है जो वासी मार्केट बोलते हैं वहाँ पे, उसका जो स्पेशल मार्केट है, और जो स्पेशल आप डेली का जो ये है जो कि आप भोजन करते हैं जो दाल चावल बोलते हैं उसमें, तो ये डेली का रूटीन का यूज होता है, इसके लिए इसका मार्केट भी अच्छा रहता है, ताकि जब आपने दिवाली है वहाँ तक इसका मार्केट अच्छा रहता है। वो जब ये रहता है ना दुर्गा अष्टमी या दुर्गा पूजा रहता ना, उस टाइम पे ये जो कद्दू है दुर्गा माता के सामने रखते हैं या साइड में, और कभी जब एंट्री होती है दुर्गा माँ की जहाँ जहाँ चौक में बिठाते हैं उस टाइम एंट्री रहती है, उस टाइम में वो दुर्गा माता के जो ये रहता है जुलूस रहता है उसके सामने फोड़ देते हैं। इस तरह से इसका सेल होता रहता है, और खाने में भी बहुत यूज़ होता है। अच्छा। और साथ ही में होता क्या है, कम से कम 1 एकड़ में 40 या 30 टन 50 टन ऐसा ये हो जाता है। जब हम इसका जो कद्दू है 2 आदमी 3 आदमी भी नहीं उठा सकते, इतना बड़ा होता है। मगर अभी फिलहाल ये जो ये है क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट के वजह से थोड़ा थोड़ा छोटा आ रहा है। तो बहुत ही जल्द जो यहाँ पे कद्दू आ जाएंगे, और दवा देने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो व्लॉग है अभी से एंड कर देते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।